अफ्टरनून, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, सेंटर मैनेजर, DDU GKY चहनिया चंदौली। मैं IRDU में पिछले 6 साल से सेवारत हूँ और इस लॉकडाउन में सरकार के आदेशानुसार 3 लेयर सर्जिकल मास्क बनाने का कार्य हमारे DDU GKY सेंटर पर किया जाना सुनिश्चित हुआ है, जिसका आज इनोग्रेशन IRDU के तरफ से किया जाएगा। आज हमारे वर्करों के द्वारा जो है फीता काटने का और वर्कशॉप का उद्घाटन होने जा रहा है। आइए हम आपको अपने यहाँ जो कार्यरत वर्कर हैं उनसे आपको परिचय कराते हैं। ये प्रथम हैं माया कुमारी और सेकंड हैं संगीता राय और थर्ड प्रतिभा कुमारी, फोर्थ नूर बानो हैं और फिफ्थ सपना कुमारी हैं। इसी की कड़ी में हम आपको आगे ले चलते हैं जहाँ पे पैकेजिंग का काम अवनीश यादव के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे पैकेजिंग का काम और प्रेस करके उसको पैक करने का काम किया जा रहा है और आगे यहाँ पे जो मास्क वर्करों के द्वारा सिला गया है उसकी फिनिशिंग के लिए यहाँ पे धनंजय भैया फिनिशिंग दे रहे हैं। और हम आपको आगे ले चलते हैं जहाँ पे कटिंग का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे कटिंग का कार्य अंकिता मैम के द्वारा किया जा रहा है, जो कि बहुत ही बारीकी से इसकी मेजरिंग करके काटा जा रहा है अंकिता मैम के द्वारा। और यहाँ पे पैकेट तैयार हो गया है, जिसको जो है पैकेट 10 पीस, 25 पीस, 50 पीस और 100 पीस के जो है रेंज में यहाँ पे पैकेट रेडी हो गया है। और आगे यहाँ पे वर्कर मास्क सिल रहे हैं। आइए हम एक वर्कर से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? संगीता राय सर। आप कहाँ से प्रशिक्षण ली हैं? DDU GKY चहनिया चंदौली। ओके, आप ये जो मास्क बना रही हैं कितने लेयर की मास्क बना रही हैं? ओके, आपको यहाँ पे जॉब करके कैसा लग रहा है? सर, हमें यहाँ पे जॉब करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं IRDU का धन्यवाद देना चाहती हूँ। जहाँ लॉकडाउन में सारी कंपनियाँ बंद है, वहीं हमें IRDU ने जॉब देके हमारे घर परिवार को खुशियों से भर दिया है। और सबसे बड़ी बात तो है कि जहाँ पढ़े हैं हमें जॉब वहीं मिला है, जिसकी वजह से हमें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, आप कोई संदेश देना चाहती हैं? सर, मैं